दुनिया का कोई भी व्यक्ति खुद को मानव ना मानने को तैयार नहीं होगा। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति खुद को मानव मानता है। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति खुद को अच्छा मानता है। पर कभी हमने इस बात को सोचा? कभी हमने इस पर विचार किया? कभी हमने इसका हिसाब किया कि हमने सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक कितने अमानवीय कृत्य किए हैं, कितने पाप कर्म किए हैं, कितने अन्याय से संबंधित गतिविधियों में हम संलिप्त रहे हैं, कितने असत्य, अधर्म, अन्याय, अत्याचार, अराजकता, गुंडागर्दी, दंगा, फसाद, मार काट, हिंसा, हत्या, भ्रष्टाचार, घूसखोरी आदि प्रकार की समस्याओं से हम कितने संलिप्त रहे हैं इन सभी गतिविधियों में। जब हम अपना हिसाब तैयार करेंगे, जब दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति हिसाब तैयार करेगा, तब उसे इस बात का आभास होगा, तब निर्णायक रूप से वह इस बात का निष्कर्ष निकाले कि वह कितने अच्छे कार्य कर रहा है और कितने गलत, कितने मानवीय कार्य कर रहा है और कितने अमानवीय। जब इन सभी का हिसाब किया जाएगा ईमानदारी के साथ, तब स्पष्ट रूप सामने निखर कर आएगा। तब हम अपने आप को जान पाएंगे कि हम आखिर किस स्तर पर मौजूद हैं। तब हम अपने आप को समझ पाएंगे कि हम मानवता के किन मानदंडों में सेट हो रहे हैं। यह कार्य हमें कल परसों के लिए नहीं टालना, बल्कि आज और अभी से अपने हिसाब को करना होगा। यदि हम इस हिसाब को करने लगें, यदि हम सुबह से शाम और शाम से सुबह का प्रतिदिन हिसाब करें और इसके निर्णय को, इसके निष्कर्ष को निकाल कर फिर उस पर आत्ममंथन करें, आत्मचिंतन करें, तब हम इस बात को पाएंगे कि हमें बदलाव की आवश्यकता है। अपने जीवन की चर्या में बदलाव करने की आवश्यकता है। अपने जीवन के बढ़ते हुए कदमों में बदलाव की आवश्यकता है। जब हम इस बात को मान लेंगे, इस बात को समझ लेंगे, तब हम प्रयास करेंगे और प्रयास करने के लिए हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा। जब हम निरंतर प्रयास करके आगे बढ़ेंगे तो बदलाव अवश्य होंगे। हिसाब के माध्यम से ही हम इस बात को निर्धारित कर सकते हैं कि हम मानवीयता के किन मानदंडों तक पहुँचे हैं और कितने मानदंडों से नीचे जा चुके हैं। तब हम खुद को सुधार सकेंगे, तब हम खुद के बारे में विचार कर सकेंगे और निष्कर्ष निकाल सकेंगे।